आप सभी के मन में आ गया होगा कि मतलब हर कोई पी आर यादव के बारे में क्यों बात कर रहा है और मैं भी आ गई पी आर यादव के बारे में एक और वीडियो लेकर आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स तो मेरे दिमाग में भी सेम क्वेश्चन आता था कि यार पी आर यादव में ऐसा क्या है मतलब लोग बाग इतनी इसकी तारीफ क्यों करते थे पहले पी आर यादव करो पहले पी आर यादव करो वाई नॉट नादवन पी आर यादव ही क्यों हेलो एवरी वन i hope you all are very good so welcome or welcome back to my youtube channel shweta's mic which is always on to talk anything or everything about nurses सो तो हर जगह वैकेंसीज ही वैकेंसीज फैली हुई है बहुत सारी वैकेंसीज के फॉर्म हम फिल कर चुके हैं बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है जिसकी हमें फॉर्म फिल करने हैं तो मतलब ये हमारे लिए एक जीतोड़ मेहनत करने का टाइम है टाइम की हमारे पास थोड़ी सी तंगी है सबसे पहले तो मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि देखिये बुक सेम है बुक में मिला जुला के कॉन्टेंट सेम लिखा हुआ है चाहे वो पी यादव हो चाहे वो टारगेट हाई हो चाहे वो एनकलेक्स हो किसी में कम किसी में ज्यादा यही बुक पढ़ के किसी का सिलेक्शन हो जाता है और किसी का सिलेक्शन नहीं होता इज so कि, कि किस तरीके से इस बुक को पढ़ा जाए जो हम इसका यूटिलाइज करें so इस ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूं जैसे कि टाइटल से आपने देख लिया कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बेस्ट बुक आप किस तरीके से पढ़े ये पी आर यादव पी आर यादव को आप एक हफ्ते के अंदर कैसे पढ़े हर एग्जाम में फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट क्वेश्चन पी आर यादव से ही होते हैं बस उसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है तो पी आर यादव इज वन ऑफ द बेस्ट बुक अगर आप शुरू कर रहे हैं या शुरू कर चुके हैं पी आर यादव सबसे पहले उठाइए और सबसे पहले अपनी पी आर यादव को स्ट्रांग कीजिए मोस्ट इफेक्टिव वे टू स्टडी पी आर यादव ये पी आर यादव की थर्ड एडिशन है क्योंकि मैंने काफ़ी पहले लिया था अब तो इसका फोर्थ एडिशन भी आ गया है सबसे पहले हम बुक का सिलेबस देख लेते हैं पीआर यादव में पूरा हमारा एक सिलेबस दिया हुआ है कि इसमें अनोटमी है पीड्स है सी एच एन है कम्यूनिटी है है ना ओ पी जी गायनी है मेंटल हेल्थ है फंडामेंटल्स है तो हमें सबसे पहले ना इसमें प्रायोरिटाइज करना है कि हमको क्या पहले पढ़ना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे ऐसा नहीं है कि आप बस अनोटमी खोल के बैठ गए या अब आप आपको लग रहा है माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़ा तो आप माइक्रोबायोलॉजी खोल के बैठ गए तो सबसे पहले आप चीजों को प्रायोरिटाइज कीजिए कि आपको पहले क्या पढ़ना है सबसे पहले आपको पढ़ना है एमएसएन एमएसएन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबसे पहले एमएसएन को कीजिए क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन एमएसएन से ही कवर होते हैं एमएसएन में भी आपको वो चीज जो आपको लग रही है कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जैसे कि कार्डियो पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं नर्वस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो पहले

ठीक है फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ ये भी सेम क्वेश्चन है इसको घुमा के पूछा हुआ है इसका आंसर भी सेल है फिर थर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है विच ऑर्गैनल ऑफ सेल कॉल्ड पावर हाउस पावर हाउस किसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं सबको पता है फिर पावर हाउस ऑफ द सेल इज नोन है ठीक है फिर इसके बाद विच सेलुलर कॉम्पोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेटिव मेटापोलिज्म माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सेम क्वेश्चन को इन्होंने घुमा फिरा के पूछा हुआ है मैं आपको पी आर यादव के बारे में बताऊं तो इस बुक के जो राइटर हैं पी आर यादव से इन्होंने क्या किया था कि जब ये बुक को लिख रहे थे तो उन्होंने जैसे जो भी एक क्वेश्चन जैसे अभी हमने देखा कि बेसिक यूनिट ऑफ सेल तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए मतलब इन्होंने सारे एग्जाम को कंपाइल कर दिया और उसमें से सेम क्वेश्चन वो जो भी दिमाग लगा लगा के सबने क्वेश्चन पूछे थे राइटर ने क्या किया इन सबको एक साथ लिख दिया मतलब ये वाले क्वेश्चन से कितने और क्वेश्चन बन सकते हैं जिसका आंसर यही सारे इसमें लिखे हुए तो आप एक क्वेश्चन देखेंगे नीचे तीन चार क्वेश्चन आपको सेम मिलेंगे तो इसका एक प्लस पॉइंट भी है इसका प्लस पॉइंट ये है आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस क्वेश्चन को इस इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कैपेसिटी बढ़ जाएगी कि क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछा जाएगा तो यू विल बी एबल टू आंसर तो ये बुक आपकी इस बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज में हेल्प करती है अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको पढ़ना किस तरीके से है आपको पहले से फर्स्ट क्वेश्चन से करते चलना है ठीक है जो आपसे निकल गया जो भी क्वेश्चन का आंसर आप निकाल पा रहे हैं ठीक है जो भी आपको लगे कि आप पहली बार करने में उसको अटक गए आप उसको सर्कल कर देंगे इस तरीके से आप करते हुए चलेंगे ये किया यहाँ पर मैंने इसको सर्कल कर दिया ठीक है फिर ये मुझे सारे क्वेश्चन निकल गए फिर मैं यहाँ पर आई ये क्वेश्चन भी मुझे प्रॉब्लम हुई इसको करने में मैंने इसको सर्कल कर किया तो टोटल देखिए मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेलेंट टिश्यू वाले चैप्टर में जिसमें टोटल सिक्सटी एट क्वेश्चन थे इसमें से ट्वेल्व क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं आए तो मतलब जो पढ़ने वाले क्वेश्चन थे वो सिर्फ ट्वेल्व हैं इस पूरी यूनिट में जो क्वेश्चन मुझको पढ़ने हैं वो है ट्वेल्व तो दिस इज द टेक्निक ऑफ रीडिंग दिस बुक अच्छे हम बुक स्टार्ट कर रहे हैं मान लीजिए आपने बेसिक कर लिया बेसिक चाहे आपको पहले से आता हो आपने कॉलेज टाइम के आपको नोट से याद हो या फिर मान लीजिए आपने कहीं से कोचिंग लिए या फिर अगर आप पी आर यादव की ही वॉल्यूम वन जो है इसकी एक नॉर्मल आप कैजुअल रीडिंग कर ले तो भी आप मान लीजिए कि आपकी थियोरी हो गई तो शुरू में आपके इतने बेसिक क्वेश्चन आएंगे ना कि फटफट फट फटफट फट, 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 वो सारे हो जाएंगे तो मतलब आपको बहुत ही ज्यादा कम टाइम लगेगा इसको फिल्टर करने में जिन क्वेश्चन पे आप अटक जाएंगे उसको आप सर्गल कर लेंगे जैसे कि मैंने इसमें दिखाया और फिर देख लीजिए कि आपसे कितने क्वेश्चन हुए कितने क्वेश्चन नहीं हुए इस तरीके से आप बुक को कंप्लीट करते चलिए एक और चीज कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आया है ना जिसका आपको रैशनल बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया तो आपको उस पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आप बस उस पर क्वेश्चन मार्क लगाइए और आप आगे चलते चलिए क्योंकि जब आप दोबारा से पढ़ेंगे या फिर आप आगे चल लेंगे और चीजें आपको समझ में आ जाएगी तो वो क्वेश्चन आपसे अपने आप निकल जाएंगे अगर आपने बहुत ज्यादा स्ट्रांगली नहीं अगर आपने नॉर्मली भी बेस पढ़ रखा है तो आपकी सिक्सटी बुक आई एम श्योर ऐसी ही हो जाएगी जो बच्चे फोर्टी होंगे वो आप कुछ आप देख के समझ जाएंगे जो नहीं आपको समझ में आएंगे आप उनको सर्गल करते हुए चलेंगे ये बुक आपकी पूरी हो गई जब आप इसको सेकेंड टाइम रिवाइज करेंगे तो आपको सिर्फ वो वाले ही क्वेश्चन देखने होंगे जिनको आपने सर्कल कर रखा है तो ये है इस बुक को पढ़ने का तरीका मान लीजिए बुक पढ़ते पढ़ते अगर आपको कुछ भी ऐसा मिलता है जो आपको नहीं आ रहा है या जिसपे आपको थोड़ी सी और से आपने देख लिया तो आप उसको किसी अलग से नोटबुक में मत लिख लीजिए क्योंकि फिर जब आप उसको रिवाइज करेंगे और आपको उस इन्फॉर्मेशन की जरूरत होगी तो आप वो बुक खोलेंगे वो पेज खोलेंगे तो इससे बेटर जो भी आपको समझ में आ रहा है आप उसको वहीं पर ही लिख लीजिए क्या जब आप रिवाइज भी करें तो आपको मुझे सामने के सामने दिख जाए आपका टाइम वेस्ट ना हो

सिर्फ इतने क्वेश्चन होंगे आपके पास जो आपको दोबारा करने होंगे तो जब आप रिविजन करेंगे तो जब तो पेज को आप फटाफट फटाफट फटा, फटा, पढ़ लेंगे क्योंकि सिर्फ इतने ही क्वेश्चन होंगे आपके पास जो आपको करने होंगे जो आपने सर्कल किए होंगे जब आप उसको दोबारा रिवाइज करेंगे तो जो इतने टोटल मान लीजिए थ्री थाउजेंड में से टोटल फाइव हंड्रेड आता है जो आपको रिवाइज करने वाले हैं आप उनको जब सेकेंड रिविजन करेंगे आपने वो देख लिया फाइव सेकेंड से कम टाइम लगेगा अरे ये तो मुझको आता है फटाफट फटाक करने लगे जो आपने सर्कल किया आप उस पर थोड़ा सा टाइम दीजिए आप उसको देखिए कि उसका आंसर मुझे आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है जब आप सेकेंड रिवीजन के बाद थर्ड रिवीजन करेंगे तो आपका वो नंबर कम होकर और भी ज्यादा कम मतलब अगर आपका वो नंबर 500 था तो और वो 250 या 200 ही रह जाएगा जब आप थर्ड रिवीजन लगाएंगे तो आपको वो सारी भी क्लियर होंगे मतलब तीन से चार रिवीजन में आपकी पूरी पीआर यादव एकदम बाय हार्ट हो जाएगी आपको अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो ये जो पी आर यादव बुक है इसका ना एक ही से हमें क्या प्रॉब्लम होती है कि जब हम मान लीजिए हम उसको सॉल्व कर रहे हैं ना हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा विच ऑफ द बॉडी सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ना तो ये हमें पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम है बट इसके साथ साथ हमें इसका आंसर ना यहीं पर ही दिख जाता है तो इससे हम ऑनेस्ट नहीं हो पाते हैं जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे वन टू जितने भी क्वेश्चन है उतने नंबर लिख लेने हैं है ना आप उतने नंबर लिख लीजिए और इसको अपने साथ लेकर बैठिए फिर आप ऐसे सॉल्व कीजिए आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा पेपर रख लीजिए आपको आंसर नहीं देखना है बी स्ट्रिक्टली ऑनेस्ट विद योर सेल्फ आपको आंसर नहीं देखना है आपने देख लिया कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए है आप ऐसे यहाँ पे ए लिख दीजिए फिर आप सेकेंड क्वेश्चन पे चलिए तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बाद में आप अपने आंसर से अपने आंसर मैच कीजिए और अपने आप को मार्क्स दीजिए इस पूरे प्रोसेस में आपके साथ से दस दिन लगने वाले हैं और पी आर यादव आप बिल्कुल बाय हार्ट कर लेंगे और अगर आपने पी आर यादव को बाय हार्ट कर लिया है तो समझ लीजिए आप क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर की तरफ आ चुके हैं मतलब आप उस कॉम्पिटिशन का उसका एक मेन हिस्सा बन चुके हैं आप अब आपको और पढ़ना है उस कॉम्पिटिशन को पार करके आप आगे पहुंच जाए और अपनी सीट सिक्योर कर पाए कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस सिर्फ आज नहीं आज के बाद भी आज के बाद के बाद के बाद भी मतलब डेली आपको एक पेज बना के चलना है क्योंकि अगर आपने आज पढ़ा कल आपने नहीं पढ़ा तो जो आपने आज पढ़ा वो आप भूल जाएंगे फिर जब आप नेक्स्ट डे पढ़ेंगे तो आपको ये पोर्शन को रिवाइव करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा प्लस आधी अधूरी नॉलेज बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है तो आप डेली पढ़िए कंसिस्टेंसी बना के ताकि आपको चीजें याद रहे आपका इंटरेस्ट बना रहे एक पेज बना रहे और आप रिजल्ट ला पाएँ अगर आपको वीडियो अच्छी और यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कॉमेंट कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लोगों को जिसको एक्चुअली इसकी ज़रूरत है और आप भी पी आर यादव चैलेंज शुरू कीजिए और सात दिन के अंदर इसको कंप्लीट कीजिए और अपना रिज़ल्ट प्लीज़ मुझको कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग